नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान तवड़ी मोहल्ले में और गौशाला मार्ग पर पथराव और आगजनी के दृश्य अब सामने आने लगे हैं। असामाजिक तत्वों ने किस तरह से उत्पात मचाया, यह लोगों के बनाए गए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से उजागर हो रहा है। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से लेकर 6 वर्षीय बच्ची तक भयभीत हैं। शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान शाम करीब 5:30 बजे के बाद कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए थे। कई स्थानों पर हालात इतने भयावह हो गए कि लोग अब 2-3 दिनों बाद छिप छिप कर बनाए गए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज बाहर निकाल रहे हैं और अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। तवड़ी मोहल्ले में पेट्रोल बम फेंक कर जबरदस्त आगजनी की गई, वहीं शाम के समय ईंट और पत्थर बरसाए गए। कई पीड़ितों ने सीसीटीवी फुटेज और बनाए गए वीडियो के साथ थाने जाकर प्रमाण भी दिया, लेकिन ना तो अब तक सीसीटीवी में दिखाई देने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। इस बीच केंद्रीय पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह हिंसा संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। उन्होंने कहा कि 1947 की आज़ादी के बाद देश को कट्टरपंथी सोच ने बांटा। मुझे मुस्लिम आबादी से नहीं बल्कि ऐसी सोच से नफरत है। हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है। का और एसपी के ऊपर हमला करे और गोली मारे, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। गोरखपुर में मंदिरों पर मुर्तजा हमला करे, ये संयोग नहीं एक प्रयोग है। लोग कहते हैं अज्ञानता में होता है। वो एक आईआईटी का लड़का, इतना हाईली एजुकेटेड, और कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, वो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, भाई मुझे नहीं मालूम कैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, दुनिया जानता है कि किस आधार पे हुआ। धर्म एक बहुत बड़ा आधार था। हम पाकिस्तान तो नहीं रामनवमी का जुलूस लेकर के राजस्थान में या मध्य प्रदेश में हिंदुओं के लिए गली और मुसलमानों के लिए गली? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत में अगर ऐसी घटना दूसरे समुदाय पर हुआ होता तो आज पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया होता, चाहे करौली हो, चाहे खरगोन हो, चाहे गोरखपुर हो। अभी हमने आज 2 घंटे का छूट दिया है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को जो है बाहर आ सकते थे। अभी तक शांति का माहौल चल रही है। अगर ऐसे जो है कंटिन्यू होती है तो आगे का छूट के बारे में हम सोच सकते हैं। मैम, कल 2 घंटे की सुबह 2 घंटे की शाम होती थी, बावजूद उसके आगे क्षेत्र में सभी लोगों से अनुरोध है, रूमर को जो है बिल्कुल बिलीव भी मत करिए और फैलाना भी नहीं है। ये हमने 144 के ऑर्डर में भी लिखा है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। रमजान के चलते आज मैंने कल उन लोगों का समुदाय का लीडर्स को भी बुला के हमने बात किया है। वो लोग स्वयं जो है ये फैसला किया है, वो कल जो है मास्क नहीं खोलने वाले हैं, नमाज जो है उनका घर में जो है करेंगे। वो सभी जो धर्म का लोग हैं उनको भी बता दिया, कर्फ्यू का जो है पालन करेंगे, इसीलिए रिलीजियस प्लेसेस को नहीं खोलेंगे। वो आगे जाके जो है हम बता सकते हैं। आज हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया था जिसमें महिला और पुरुष दोनों को छूट दी गई थी और कुछ अतिरिक्त दुकानें भी इसमें खोली गई थी, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक रहा और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ना ही कोई प्रकार की कोई अफवाह फैली, सब शांतिपूर्वक निपटा है। इसके साथ ही अभी तक हम लोग 42 FIR कर चुके हैं और 144 के करीब हम लोग अरेस्टिंग कर चुके हैं, जिसमें नामजद लोगों को भी हमने उठाना चालू कर दिया है। वीडियो फुटेज जो हमने सारी कलेक्ट की हैं प्राइवेट और सरकारी कैमरा से, उनका हम आइडेंटिफिकेशन और आकलन कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर साइबर की टीम हमारी इसमें लगी हुई है जो लगातार उन वीडियोज़ का आकलन कर रही है और उसमें आज चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही है। इन सभी अधिकारियों को हमने लगा के रखा है जो पहले इस क्षेत्र में रहे हैं, जिनको लोकल के लोगों की
नॉलेज है, तो उसमें हम लगातार लगे हुए हैं। कल रात में भी जो है पथराव की बात आई, एक आनंद नगर से एक पॉइंट आया था जिसे पब्लिक के द्वारा एक बताया गया था, जिसमें हम लोग तुरंत मौके पे पहुंचे थे पूरे हमले के साथ, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो एक सरासर अफवाह थी और उसका मौके का भी मुआयना किया गया हम लोगों के द्वारा, वहाँ किसी प्रकार की कोई पथराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं थी। रमजान के चलते आज जैसे कि जुमा है और नमाज के लिए किस तरह की तैयारी की है, लोग क्या अपने घरों में ही नमाज? इसमें हम लोगों ने कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था और उनके साथ हम लोगों ने कल एक मीटिंग भी की थी, जिसमें उन लोगों के द्वारा सहमति दी गई है कि सब लोग अपने घरों में बैठकर ही नमाज करेंगे और उसी के पालन में हम लोग अपना बल भी तैनात रखेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन ना हो। हनुमान जयंती को लेकर किस तरह की तैयारी? हनुमान जयंती के लिए भी यही पॉइंट है, जिसमें अभी गुड फ्राइडे ये सब जितने भी त्यौहार आ रहे हैं अपने अपने समुदाय के, सभी के लिए यही समान पॉइंट है, सब अपने अपने घरों में रहकर इसका पालन करेंगे। निश्चित पहले दिन रामनवमी के जुलूस के दिन जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं थी, जिस घटना घटी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हमारे पास होता था। टेरर फंडिंग की भी बात की जा रही है, क्या कुछ लगता है? ये प्रशासन को और पुलिस को देखना है, पुलिस का काम है जांच करे और अगर ऐसी टेरर फंडिंग की व्यवस्था है तो पुलिस को पहले से अगर मालूम था। मैं तो खरगोन की जल्दी जल्दी शांति बहाल हो, खरगोन का कर्फ्यू जल्दी जल्दी समाप्त हो और खरगोन में अमन चैन और शांति, खरगोन फिर शांति के साथ चले। खरगोन के कई हिस्सों में दीवारों पर लिखा गया बेचना है, पलायन कर। मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कलेक्टर महोदय ने उन क्षेत्रों का दौरा करा है, जो लोग अगर भय के मारे ऐसा कर रही तो हम और भय का वातावरण को खत्म करके शांति का वातावरण कायम करना चाहते। दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो लगाकर ट्वीट किया था कि जिसमें इस विषय में दिग्विजय सिंह जी बखूबी आपको जवाब देंगे। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और भरत प्रजापति जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो जाएंगे। भरत प्रजापति जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। खरगोन में जो कुछ भी हुआ उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी विशेष टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि ये संयोग नहीं एक प्रयोग है। आवाज डिस्टर्ब है काफी, ठीक करा लेते हैं सर आवाज। आरबी उपाध्याय जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस बहुत है। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, दोनों को आवाज नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान तवड़ी मोहल्ले में और गौशाला मार्ग पर पथराव और आगजनी के दृश्य अब सामने आ रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने किस तरह उत्पात मचाया, यह लोगों के बनाए गए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से उजागर हो रहा है। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से लेकर 6 वर्षीय बच्ची तक सभी के सभी इस समय भयभीत नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के अवसर पर निकली शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। आरोप है कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी तभी पथराव शुरू किया गया। इसके बाद से ही इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। रामनवमी और उसके अगले दिन फैली हिंसा के मामले में अब तक करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामनवमी को हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि दंगाई पत्थरबाजी और तलवार लहराते दिखाई दे रही है। यह सीसीटीवी फुटेज घाटी मार्ग मुल्लानवाड़ी जामा मस्जिद के ठीक पीछे वार्ड नंबर 13 का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स तलवार से गाड़ियों पर हमला भी करता दिख रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो अपना चेहरा ढके हुए हैं उनके हाथों में तलवार है, कुछ पत्थरबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। हिंसा में खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी जख्मी हुए थे, उनके पैर में गोली लगी है। चौधरी ने बताया था कि उन्हें जैसे ही हिंसा और आगजनी की सूचना मिली वे संजय नगर इलाके में पहुंचे तो तलवार लिए एक युवक ने उन्हें दौड़ा लिया, लेकिन जब उन्होंने उसका पीछा किया और उससे तलवार छीनने की कोशिश की तो उनके अंगूठे में चोट लग गई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की
तो उसके साथी ने उन पर गोली चलाई, इससे उनकी टांग में जख्म हो गया। हालांकि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, फिलहाल एसपी घर पर ही आराम कर रहे हैं। और ये लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है अलग अलग जिलों से सामने, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग तारीखों के ये सामने आ रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोग उस दिन छिप छिप कर वीडियो बना रहे थे, लेकिन डर के मारे वो उसी दिन इन वीडियो को जारी नहीं कर पाए। अब लोगों में थोड़ी हिम्मत आई है, तो जिनके पास जितने भी वीडियो हैं वो थाने जाकर इन वीडियो को जमा भी करा रहे हैं और शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अभी भी कर्फ्यू खरगोन ज़िले में लगातार जारी है और हालात सामान्य होने के बाद अभी जिला प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज इस समय भी आप देख रहे हैं, नकाबपोश ये बदमाश पूरे इलाके में इसी तरीके से हंगामा मचाते रहे और बुलडोज़र चलाया जा रहा है दंगाइयों के यहाँ पर, क्योंकि सीएम शिवराज ने ये ऐलान कर दिया है कि पीड़ितों को राहत इन दंगाइयों की संपत्ति से ही हम देंगे। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई अब कर रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये भी कहना है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में जानबूझकर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहा है। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत प्रजापति जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और आरबी उपाध्याय जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? मिल रही है। सिंह साहब जो है विंध्याचल में, जो हाँ विंध्याचल में डिस्टरबेंस बहुत है, कहाँ से आ रही है? सर एक बार फिर से ठीक करवा ले। भाटी भाई भी तो आ रहे, दिखे रहे भरत प्रजापति जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। आपको क्लियर आवाज मिल रही है सर? हाँ, क्लियर। ठीक है सर, ठीक है। मेरा सवाल सर यही था, गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है कि जो कुछ भी खरगोन में हुआ वो मात्र एक संयोग नहीं था बल्कि एक प्रयोग था। नहीं नहीं, तो ये बयान उन्होंने दिया है वो किस संदर्भ में दिया है, क्योंकि ये प्रयोग तो था लेकिन किसने किया वो चीज वो नहीं बता पा रहे ना, कि जबकि ये हमारे ही पार्टी के लोगों ने इसका प्रयोग किया है पूरे देश में एक नेशनल इशू बनाने के तहत, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं पूरे देश में 6-7 हज़ार में देखने मिली, तो कहीं ना कहीं इसे नेशनल इशू में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह तो ऐसे भी पहले भी ऐसे। आप सर मध्य प्रदेश की राजनीति देखेंगे या सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे तो सीएम शिवराज कभी भी कट्टर छवि वाले नहीं रहे। आपके इस आरोप को मैं एक बार मान भी लेती, मध्य प्रदेश के सीएम कभी भी कट्टर छवि के नहीं रहे हैं। कभी भी मध्य प्रदेश में इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया कि हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया। आर बी उपाध्याय जी, आपको आवाज मिल रही है? सर अभी आरोप तो लगा गया भरत जी, अभी उनका फोन होल्ड पे चला गया है। वो जो बात कह रहे थे कि इसे नेशनल इशू बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही ऐसा किया, लेकिन हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख लें या सीएम शिवराज की राजनीति देख लें, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की। जो भी चुनाव लड़े गए वो वाकई में जमीनी मुद्दों और सीएम शिवराज अपनी योजनाओं के सारे ही लड़ते हैं, तो उनकी तो छवि भी कट्टर नहीं रही। देखिए एक जगह की बात हो समझ में आती है, ठीक है वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन एक बात और है पल्लवी, मस्जिद में कहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए? वहाँ जो एक वर्ग विशेष संप्रदाय विशेष के लोग रहते हैं उनके घरों में या उनकी छतों पर कैसे चले गए बीजेपी के कार्यकर्ता? कुछ चीजें गले नहीं उतरती और विडम्बना है पल्लवी इस देश की। मैं ये कहूंगा कि 1947 में बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश थे। अब मुझे बताएं रामनवमी का जुलूस न पाकिस्तान में निकाल सकते हैं, वहां संभव नहीं है। अब हिंदुस्तान में भी अगर भगवान राम का जुलूस या हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते तो फिर कहां करें?
एक विचारणीय प्रश्न है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी जो होती है, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कौन किसका कार्यकर्ता है वो पार्टियां जाने, लेकिन आम आदमी की जान माल की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है। सर्वप्रथम दायित्व यही। क्या हो रहा है भारत में? कश्मीर में हिंदू रह नहीं सकता, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। देश के अन्य हिस्सों में पूजा पाठ नहीं कर सकता, अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। तो किस तरह का भारत और किसके लिए भारत? क्या हिंदू के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए? कश्मीर में भी नहीं रहने देंगे, बाकी हिस्सों में आपको जुलूस नहीं निकालने देंगे। कुछ चीजें एक चिंता की लकीर पैदा करती है। सर, अगर हम खरगोन के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ये तो एक ऐसा जिला है जो हमेशा से शांत रहा है। ऐसे जिले में भी इस तरीके की चीजें होती हैं, तो क्या वाकई में ये राजनीति से प्रेरित है? प्रशासनिक फेलियर रहा ये तो हम सब ने देखा, और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उससे भी दिखाई दे रहा है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए शासन प्रशासन का फेलियर साफ साफ है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जुलूस निकल रहा है तो जुलूस को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि भाई जुलूस को क्यों जरूरत पड़ती है सुरक्षा देने की? जुलूस को किससे डर है? कौन नहीं चाहता कि जुलूस न निकले? तो इस पर भी मंथन करना होगा। आज अमरनाथ यात्रा होगी तो संगीनों के साये में होगी, सिक्योरिटी के साये में होगी, असहज करता है। बिल्कुल, चर्चा जारी रखेंगे। आरबी उपाध्याय जी, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रदीप भटनागर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, खरगोन हिंसा के मामले में हम चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर इस तरह की साजिशें रचती है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे आदमी है जो सदैव अपने प्रचार प्रसार के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा शब्द यूज करते हैं जो कि लोग उनको सुने और एक तबका खुश हो। और हमने ये वक्त में पहले भी देखा है कि दिग्विजय सिंह जी कभी भी भारत जोड़ने की बात, देश जोड़ने की बात नहीं करते, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में अगर दंगा हुआ है या फसाद हुआ है तो बड़े नेताओं का, पूर्व मुख्यमंत्री या जिम्मेदार आदमी का काम होता है उसको शांति कायम करना और शांति पे अमल कराना और करना, ना कि विवादित बयान देना। इन चीजें बचना चाहिए। अरे दिग्विजय सिंह जी पहले भी कुछ ना कुछ जो मन में आता है बोल देते हैं। जो मध्य प्रदेश की तरह घटना हुई वो गलत थी और दर्दनाक थी, और जो हुआ उसके लिए पूरे देश को भी खेद और बहुत शर्मिंदा होना पड़ा है। और गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि जो कुछ भी हुआ सोची समझी साजिश के तहत हुआ और ये संयोग नहीं एक प्रयोग है। किस तरह के प्रयोग के बारे में वो बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह दिल्ली में चांद बाग में दंगे हुए, सुनियोजित तरीके से पेट्रोल बम, छत पे पत्थरबाजी, पहले जो एडवांस में चीजें रख रखी थी और जो खुद डीजीपी ने इस चीज के बारे में खुद क्लियर करके और बोला भी है कि पहले नियोजित थी। क्या पूरे भारत वर्ष में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया गया? क्या पूरे भारत वर्ष के अंदर क्या ये सभा कार्यक्रम, रैलियां या रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस नहीं निकले? ऐसा वहीं क्यों हुआ? तो योजना थी ना, तभी तो हुआ। और इस चीज के बारे में साफ बताया भी गया और अब जो इंक्वायरी हुई है उसे पकड़ा भी गया है। क्या जो राम सेवक या जो रामनवमी का जुलूस लेके निकल रहे थे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकल रहा था,
क्या उन्होंने कभी किसी को परेशान किया है या बदतमीजी कर दी है? जो दंगे की मोहब्बत आई छत से पत्थरों की सीढ़ियां तक फेंकी गई, ये कौन सा तरीका, कौन सा न्याय है? आपको कुछ वजह समझ में आती है सर, जो इतने लंबे समय से हो रहा है जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अब इन जुलूसों से किसे दिक्कत होने लगी? क्या माहौल हो गया है देश में ऐसा कि लोगों को परेशानी हो रही है एक दूसरे के मजहब से, एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों से? पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब रामनवमी के जुलूस से किसे दिक्कत हो रही है? बताइए भटनागर जी, माहौल जो खराब हुआ उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? दिग्विजय सिंह करा रहे हैं। आप चले अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के पीछे, तो आप खुल के आ रही है कि आईएसआई का साजिश थी, पीएफआई की फंडिंग थी और पूरी एक योजना थी, आईएसआई की साजिश, पाकिस्तान की साजिश, दिग्विजय सिंह की साजिश, तो साजिश होती है, शामिल हुए अब तो बारी उनकी है, उन्हें कैसे अब सीधा करा जाए और किस तरह लाया जाए, इस चीज पे आप गहनता से बातचीत कर रही है, बोलना भी है। भरत प्रजापति जी आवाज मिल रही है आपको? थोड़ा सा पीछे से शोर बहुत आ रहा है। ठीक है सर, सही करवा लेते हैं। प्रजापति जी, भरत जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो आरबी उपाध्याय जी, खरगोन हिंसा अब आईएसआई की साजिश से जोड़कर दिखा दी गई। इन लोगों को कुछ नहीं पता, न पढ़ के आते हैं, न कोई नॉलेज है, बस जो मन में आया वो बोल दिया। अरे हर चीज का एक दिग्विजय सिंह ने गलत बयान दे दिया, दिग्विजय सिंह शांति स्थापित करनी है, सब दिग्विजय सिंह को करना है, तुम्बामा को किस लिए मुख्यमंत्री बनाया वहां पर, दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दो, आईएसआई किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री को, जो शासन और प्रशासन में जो सब दुरुस्त नहीं है, जो सांप्रदायिक हिंसा को रोक नहीं सका उसका फेलियर है। ये नहीं कह सकते हैं हम कि भी नहीं, सब कुछ विपक्ष कर रहा है, सब कुछ विपक्ष जिम्मेदार है, तो जनता ने ये सरकार किस लिए चुनी थी प्रश्न खड़ा होगा। अगर खरगोन में दिग्विजय सिंह ने कराई तो करौली में किसने कराई? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अब मान लीजिए रामनवमी का जुलूस, मेरी चिंता ये है पल्लवी कि भी कहां निकलेगा, हिंदू अफगानिस्तान में नहीं रह सकता, हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह सकता, हिंदू कश्मीर में नहीं रह सकता, न मंदिर बना सकता, न पूजा कर सकता, न पाकिस्तान में, न अफगानिस्तान में, न कश्मीर में, कहां जाए हिंदू? एक विचारणीय प्रश्न है, विचार तो करना, क्यों होता है, कोई ना कोई तो रीजन है। अफगानिस्तान में हिंदू था, मार दिया गया, काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान में था वहां भी ये हाल है, बांग्लादेश में आए दिन मंदिरों पर हमला और सब हो रहा है, तो एक वर्ग विशेष और संप्रदाय विशेष जहां पर है वो चाहता है वहां कोई न रहे सिवाय उनका धर्म रहे और उनका संप्रदाय के लोग ही वहां पर रहें, बाकियों को मार दिया जाए या काट दिया जाए, और पूरे विश्व में लगभग एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आप भारत के ही परिदृश्य में क्यों देखें? मैं तो अफगानिस्तान में भी देखता हूं, मैं तो पाकिस्तान में भी देखता हूं, मैं बांग्लादेश में भी देखता हूं, सुनियोजित षड्यंत्र, सुनियोजित हमले हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और दूसरा पल्लवी, कब तक रहेगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आज नहीं होगी कल होगी। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों के बाहर सड़क तक ट्रैफिक रोक दिया जाता था, पुलिस का बंदोबस्त रहता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहीं अगर हिंदू अगर प्रार्थना करता है तो उस पर आपत्ति हो जाती है, उस पर पथराव हो जाते हैं, उस पर पेट्रोल के बम फेंक दिए जाते हैं, तो हम जा कहां रहे हैं?
हम कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं? मेरा यही सवाल है सर, इन हालातों में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जो अखंडता के बारे में हम बात करते थे, विभिन्नता में एकता के बारे में हम बात करते थे, ये तो फिर बातें ही रह जाएंगी सर। ये भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि हमारा देश कभी ऐसा हुआ करता था, जैसे पहले कहते थे कि सोने की चिड़िया था भारत, यही हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इन हालातों में विश्व गुरु कैसे बनेंगे सर, आपसे समझूंगी मैं। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे सर कि ये जो विभाजन की राजनीति इस समय देश में हो रही है, उसी के कारण ये सब हो रहा है, जगह जगह दंगे, रामनवमी के उपलक्ष में ये कब देखते थे हम कि इस तरह के दंगे होंगे? कोई त्यौहार अब शांति से नहीं मनाया जा सकता सर, कभी अजान का विवाद उठ जाता है, कभी हिजाब का विवाद उठ जाता है, कभी मीट का विवाद उठ जाता है, तो फिर हमारे त्यौहारों पर भी इसी तरीके से हमले होंगे। प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भरत प्रजापति जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। भरत जी, आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ हाँ हाँ, मिल रही है। ठीक है, ये प्रदीप भटनागर जी का कहना है कि खरगोन में जो हिंसा हुई है वो ISIS की तरफ से जुड़ी हुई है सर, उन्होंने उससे जोड़कर बता दिया इसे। किस तरह की जानकारी? नहीं, 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 इनके पास है ना जानकारी, बिल्कुल नहीं है इनको। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ के हिंदुओं की पड़ी रहती है, यहाँ जो लोग हैं उनके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर 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 ये बता रहे ISIS ने किया है, तो कल इनके जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी जी थे, वो कल रात को वहाँ पे अफवाह फैली, वहाँ अनुग्री कलेक्टर के साथ में गए थे, तब वहाँ पर वो अफवाह के बारे में उन्होंने वापस PFI से जोड़ दिया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ दिया था, और अभी ये ISIS से जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो सच बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं। वहाँ के काजी जो है सैयद, वो बता रहे हैं कि ये जो जुलूस निकला था, उसी जुलूस के अंदर इनके लोग पत्थर लेके ट्रॉली में चल रहे थे, इतने सारे पत्थर आएंगे कहाँ से? तो उस चीज पर भी सवाल उठता है। और उनसे पूछता हूँ कि आप अगर पत्थर फेंकने वालों के घर तोड़ते हैं, तो उमा भारती जी का घर कब तोड़ेंगे? उन्होंने भी तो कहीं शराब की दुकानों पर और कहीं लोगों पर अभी पत्थर किया था, पत्थरबाजी की थी, और पत्थरों से काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचाया था। उन्हें तो उसका उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। शराबबंदी आप ऐसे पत्थर मार के करवाओगे? आप पत्थर उमा भारती ने किसी के घर में आग लगा दी सर? क्या कोई 6 वर्षीय बच्ची इस समय डरी सहमी है उमा भारती की वजह से, ये बताएं आप? नहीं नहीं, बात पत्थर मारने की हो रही है मैडम जी, इसीलिए मैंने उस संदर्भ में कहा है कि जब आप अगर पत्थर मारने पे कार्रवाई कर रहे हो, आप दंगाइयों को प्रोटेक्ट ना करें, पत्थरबाजी कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो रही हो या इतने शांति प्रिय इलाके खरगोन में हो रही हो। नहीं नहीं, हम दंगाइयों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं उस परिवार के साथ में जो निर्दोष है, जिनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। हमने देखा है काफी घर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं, तो काफी वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट का सब देखभाल करके था, उसका पड़ताल करके ही आपने प्रधानमंत्री आवास में उसको दिया होगा घर बना के, तो आपने ऐसे भी घर तोड़ दिए है, तो उस चीज के बारे में आप कहेंगे कि वो दंगाई थे? तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी उनसे ही प्रेरित हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा बुलडोजर कर करके इन्होंने काफी लोगों के जो मुस्लिम समाज से जोड़े हुए कुछ लोग थे, उनके घर तोड़कर अपने आप को एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश की गई है। वही ना कहीं शिवराज सिंह को भी लग रहा है कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ, तो मैं भी एक बुलडोजर का एक सिस्टम अपना लो, कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा और कुछ नाम मिल जाएगा। लेकिन ये चीज के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे करना क्या है। जिस हिसाब से आज आनंद राय जी उनके ही RSS के 2013 तक संस्थापक प्रचारक रहे हैं, उनको आपने लपंग घोटाले में फंसा दिया, आपका 48 बार वो हार्ड डिस्क के अंदर से नाम CM का नाम हटाया गया, जहां तक कि वो याचिकाकर्ता प्रमोद पांडे जी का बयान है कि इस तरह का काम किया गया। तो ये सब चीजों पे बात नहीं करेंगे, ये सब सिर्फ इनके पास मुद्दे यही बचे हैं, हिंदू पूजा पाठ यही चीज के बारे में। क्या इसके पहले क्या इस देश में कोई पूजा पाठ नहीं करता था? क्या इस देश में पहले कोई रामनवमी का जुलूस नहीं या शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? क्या इस देश में पहले कोई ये सब चीजें नहीं होती थी? ये सिर्फ बनावटी लोग हैं, इनको अगर सही मायने में अगर ये होते
सही मायने में अगर ये हिंदुओं का भला चाहते और हिंदू धर्म को अगर रियलिटी में समझते तो हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी के ऊपर जाके किसी का घर तोड़ दो। हाँ, जांच पड़ताल का विषय है, आप सही हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी का घर जाकर तोड़ दो। यानी कि आप अपनी बातों में ये कहना चाहते हैं कि खरगोन में जो कुछ भी हुआ वो सारे हिंदू थे, जो दंगा फैलाया वो हिंदुओं ने फैलाया। सर, मैंने तो ऐसा कोई बयान देने को आपको कहा नहीं और ना मैंने अपने संबोधन में ऐसा कुछ कहा कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। दंगाई दंगाई है सर, बदमाश बदमाश होता है, उसको किसी धर्म या जाति से क्या जोड़ना। आप तो यहाँ पर अपना वो वर्डिक्ट सुना रहे हैं कि हिंदू धर्म ये नहीं कहता, हिंदू ये नहीं करते। पल्लवी जी, मैंने नहीं कहा, ये इनके मंत्री गिरिराज सिंह जी का ही बयान है, मैंने नहीं कहा। क्या कहा गिरिराज सिंह ने? गिरिराज सिंह का बयान बताइए। जब जब वो कहते हैं कि प्रयोग है तो प्रयोग बताइए ना कि वो प्रयोग करने वाले कौन है। जब आपको पता है तो आप सही लोग सही दंगाई और आपको कैसे पता कि गिरिराज कौन दंगाई है। आप सिर्फ एक ही समाज के ऊपर टारगेट करेंगे सर, हम किसी एक समाज पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका बयान कर रहा है। हमने कभी किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया, ANB बैठकर किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने अभी अभी जो बयान दिया मैं उसी पर बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ पल्लवी जी कि अगर इनको सही मायने में अगर अपने धर्म की रक्षा की पड़ी होती तो क्या इस देश में परसों से क्या धर्म अधूरा था? क्या कोई पूजा पाठ वाले लोग नहीं थे क्या? 2014 से ही सब भगवान राम का नाम लेने लगे क्या? 2014 से ही रामनवमी का जुलूस निकलने लगा क्या? ये सब चीजें इनको समझना पड़ेगा ना। और अगर इनको लगता है कि मस्जिद के आगे से ही जुलूस निकालने से और मस्जिद के ही भगवा झंडा फहराने से भगवान राम हमारे आराध्य देव हमारे तो प्रसन्न हो जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये तो उनका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके नाम पर मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं लहराया गया सर। आप भी दिग्विजय सिंह वाली हरकतों पर आ रहे हैं क्या? बिहार हम खरगोन के मसले पर बात कर रहे हैं तो वही रह लेते हैं। मैंने अभी करौली हिंसा का मसला छेड़ा क्या? मैंने करौली हिंसा का मसला छेड़ा? आप सब कुछ इकट्ठा मत कीजिए। नहीं, मैडम जी, क्या होता है कि ये जो चीज चल पड़ी वो पूरी एक साथ में 6-7 राज्यों में चल पड़ी ना, तो कहीं ना कहीं इस पे तो सवाल खड़े होंगे ना, कहीं ना कहीं तो इस पे बातें होगी। तो आप अगर एक ही समाज को एक ही वर्ग को टारगेट करने के प्लान में हो और इनको कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बोल दिया, ये क्या बोल रहे हैं? देखो, एक बच्ची ने पहले अक्षरधाम मेट्रो रेलवे स्टेशन पे भाषण नहीं दे रहे हैं, नौकरी छूट जाने की वजह से आप बात क्या सुनने नहीं बैठे हैं? आपके लिए वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, इसके पहले भी काफी 1,75,000 लोगों की नौकरी छूटने से काफी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आर वी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सुन लीजिए एक बार। ये सब मुद्दे पे आप अगर बात करोगे तो ठीक है ना, इन्हें खुद नहीं पता चाहते हो जनता के दिमाग से और कहीं ना कहीं क्या मुझे कहना है जिस टॉपिक पर भी डिबेट हो रही है ना पहले से, ऐसे लोगों को खा के आप बैठा देते हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास था, प्रधानमंत्री आवास में कोई आतंकवादी छुप जाएगा या वहाँ पर कोई गलत गतिविधि होगी तो पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं करने आती है। क्यों? प्रधानमंत्री आवास योजना है वो और उसके तहत मकान मिला है, इसका क्या मतलब हो गया? अगर वहाँ कोई अवैध गतिविधि हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है चाहे किसी का पर्सनल घर है, हर जगह कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अफगानिस्तान के हिंदू की बात न करें, पाकिस्तान की बात न करें, खरगोन की बात नहीं करें, कहाँ की बात करें? इनके घर की बात करें, इनके पड़ोस की बात करें। जब भी कोई घटना घटती है उस घटना के पीछे कोई ना कोई मंतव्य होता है, और रहा इतने सालों से जो भी शोभा यात्रा निकल रही थी पल्लवी, मुझे खूब अच्छी तरह पता है जब परमिशन ली जाती है यात्रा की तो उस यात्रा का रूट इस तरह तय किया जाता है कि वो एक वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष कि जहां आबादी है वहां से निकालने की अनुमति नहीं मिलती, उसका रूट बदल दिया जाता है, यहाँ से नहीं निकलेगी, इधर से निकाल के ले जाओ। वो क्या है, क्यों नहीं निकलनी चाहिए? शासन प्रशासन अपने कर्तव्यों की हिस्ट्री कर लेता है और फिर उसको पार्टी के पैरामीटर पर तोलते हैं।
समस्या के पैरामीटर पर नहीं इसका निदान होता, पार्टी लाइन पर बोलेंगे, पार्टी के पैरामीटर पर बोलेंगे। पार्टी का पैरामीटर हो ठीक है, लेकिन पार्टी का पैरामीटर भी पब्लिक के लिए होता है। और जो चिंता का विषय है वो यही है कि भी इस तरह की घटनाएं, चाहे पत्थरबाजी हो या दूसरे तरह से अवरोध उत्पन्न किया जाए, वो होता क्यों, क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा सकती। अभी जो वीडियो सामने आया है सर, उसमें ये दिख रहा है कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है जो भीड़ आ रही थी दंगा फसाद करने के लिए। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि उस एक पुलिसकर्मी को ही सारी जिम्मेदारी दी गई थी, और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो उसने फोन करके कंट्रोल रूम को सूचना क्यों नहीं दी समय पर। ये सारी चीजें अभी समझ से परे हैं। इसकी बात वही आ जाती है कि संयोग नहीं है, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और राजनीतिक लोग अपने प्रयोग कर रहे हैं, समाज उसकी प्रयोगशाला है, क्या फर्क पड़ता है कोई हिंदू मरा या कोई दूसरे संप्रदाय का मरा, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें फर्क पड़ता है अपने वोट से, उन्हें फर्क पड़ता है अपनी राजनीति से और अपनी सत्ता से। सभी बेशर्मी से बयान दे देते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। भुगतना तो आम जनता को पड़ता है, जिस घर का बच्चा गया, जिस घर का आदमी गया, जरा उसके यहाँ जाके दर्द क्या होता है महसूस करें। जा इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, एक पुलिसकर्मी, क्यों एक पुलिसकर्मी था, आपको पता है कि भी माहौल खराब है पूरे देश में, आपको पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए। अगर आपने चाक चौबंद नहीं की, ऐसा लगता है जैसे आप जानबूझकर ये सब कराना चाहते थे। एक सिपाही भेज भी दिया, वो कोरम पूरा हो गया, लेकिन भीड़ के सामने एक सिपाही क्या करेगा, क्या वो सुरक्षा दे पाएगा, संभव नहीं। और फिर दूसरा प्रश्न है कि सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई जवाब देगा, क्यों पड़ती है सुरक्षा की जरूरत, क्यों कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, क्यों कोई पूजा नहीं कर सकता। ये भी एक चिंता का विषय है। और पूरा माहौल देश का उस तरह से बदलता चला जा रहा, और ना भी हो तब भी यथार्थ है, उसे बदला नहीं जा सकता। कश्मीर की बात न करें, सब बेमानी हो जाता है। ये क्या कारण था, क्या कारण आज है कि वहां से कश्मीरी पंडित नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, और क्यों यहाँ का शासन प्रशासन व्यवस्था आज भी कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाई, उन्हें बसा नहीं पाई, जान और माल की सुरक्षा यानी जो उसकी संपत्ति है उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया, और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, यानी उसकी संपत्ति भी गई, घर परिवार सब चला गया, और वो अपने प्राण बचा के कहीं शरणार्थी कैंप में अपना जीवन यापन कर रहा। ये यथार्थ है इस व्यवस्था का। दावे बहुत होते हैं कि सब कुछ तो दुरुस्त है, लेकिन अंदरूनी हालात देखने से ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और विडंबना देखिए, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, लेकिन मरेगा कौन, जनता। कर्फ्यू लग गया है तब भी जनता मरेगी, गरीब आदमी के घर में लोगों में जो ये असंतोष है, ये उबाल है, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? अब सबको याद आया है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, और अभी तक धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही थी क्या? देखिए, एक तरफ का सैक्रिफाइस आप कब तक कराएंगे। इतिहास गवाह है, हिंदुओं पर, हिंदू धर्म पर जो अत्याचार हुए हैं, और मैं समझता हूँ धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हुआ है, तलवार की नोक पर कराया गया है, इतिहास में लिखा हुआ है। और वो घटनाएं
घटित हुई है, कुछ नया नहीं है कि हम नया देख रहे हैं। ये कोरी कल्पना है, ये कह देना कि भी सर्व धर्म संभाव, गंगा जमनी तहजी, तो एक वर्ग अगर सेक्रीफाइस करता रहे, सारे अत्याचार सहता रहे और अपनी आवाज भी न उठाए, तब तो भाईचारा जिंदा रहेगा। और जिस दिन वो अपने हक की बात करेगा, उस दिन भाईचारा खतरे में पड़ जाए, ऐसा देखा जा रहा है। कब तक नहीं हो, कहीं ना कहीं पल्लवी जब देश आजाद हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था और धर्म के आधार पर दो देश बने थे, लेकिन भारत में देखिए हिंदुओं का दिल देखिए, उन्होंने वर्ग विशेष के लोगों को कहा कि भाई नहीं, आप भी चाहें तो यहां रह सकते हैं। एक तरफ वो दरियादिली थी और दूसरी तरफ जिन लोगों के लिए दरियादिली दिखाई, वो ही लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि रामनवमी का जुलूस निकले या राम का मंदिर बने या हिंदू पूजा करे। सर ये तो हम लोगों के लिए भी हुआ ना, अगर हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो हमें भी अब कहाँ अजान बर्दाश्त हो रही है। हम क्यों ये बेमतलब की बेफिजूल की बातों पे उलझे हुए हैं। हमें कहाँ किसी के हिजाब से अब दिक्कत होने लग गई है, हमें क्यों किसी के हलाल और झटका मीट से अब दिक्कत होने लग गई है, हमें भी तो हो रही है परेशानी। पल्लवी, आज तक हमको किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं, हमारे ऊपर जितना अत्याचार हुआ इतिहास में दर्ज है। एक धर्म विशेष पर, एक संप्रदाय विशेष पर जो अत्याचार हुए हैं, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जाता। और आज अगर वो कहता है कि भी देखिए हिजाब वाली बात आती है, एक एक बात को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए हिजाब पर क्या है, एक ड्रेस कोड है किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी स्कूल का, तो वहाँ स्कूल ड्रेस में सभी जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां सब विद्यार्थी। लेकिन वहां ये जिद करना कि नहीं हिजाब जरूरी है, हिजाब जरूरी है, या शिक्षा जरूरी है, या शिक्षण संस्थान का जो अनुशासन है वो जरूरी है। तो गांव में कहावत है हमारे यहाँ, पंचों की बात शर्माते पतनाला मेरा यही गिरेगा, यानी सब बात बिल्कुल मानी जाएगी लेकिन हिजाब के बारे में नहीं सुना जाएगा। हिंदुओं में कुछ प्रथाएं थी, उनको दूर किया गया, बाल विवाह था, सती प्रथा थी। और फिर दूसरा पल्लवी, देखिए वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। कहां लिखा है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने बुर्का को बैन किया है, हिजाब को बैन किया है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने किया है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा सर्वधर्म संभाव की बात जब ही अच्छी लगेगी, कि मान लीजिए रामनवमी का त्यौहार या पूजा पाठ चल रहा है, तो दूसरा संप्रदाय आगे बढ़कर ये कहे कि नहीं मीट की दुकान में बंद कर दूंगा, आप लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ठीक है, आप एक ही तरफ से सेक्रीफाइस नहीं करा सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं करा सकते। यानी कि जो बीजेपी कहती है कि हमने तो अब हिंदुओं को जगा दिया है, इकट्ठा करने का काम किया है, तो वो किसी हद तक सही है, आपका जवाब दूंगी। एक बार एक मिनट में भरत जी का एक रिएक्शन लेना है। भरत जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। भरत प्रजापति जी कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्हें बड़ी दिक्कत हो गई जब कमलनाथ ने निर्देश दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि आप हनुमान जयंती मनाइएगा बड़े जोरों शोरों से और धूमधाम से, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, कमलनाथ जी ने अगर आदेश दिया है कि आप हनुमान जयंती, तो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने क्यों कहा कि कांग्रेस की नीति के खिलाफ है ये? नहीं नहीं, वैसा वैसा उनका वो पर्सनली अगर कुछ कह दिया होगा तो अलग चीज है, बाकी कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है वो अच्छा बयान दिया है, उसका स्वागत। कमलनाथ के बयान का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन आपके विधायक अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये उनकी सोच हुई ना, वो इस मेंटालिटी के साथ है ना, अगर उनका व्यक्तिगत बयान भी है तो यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में इस तरह की चीजें हैं।
नहीं नहीं वैसे वैसे तो क्या मैडम जी, कुछ लोग उस टाइप के होते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में अपने बीच में ये लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था, उसमें मरते थे दो चार नगर सेवक वसंत मोरे जी भी थे, उन्होंने खुला कहा था कि मैं नहीं करूंगा, मुझे मेरा वोटर है पूरा मुस्लिम समाज का वोटर है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे इस दायरे में ये चीज नहीं बैठती है कि मैं लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्ताव करूँ। तो कुछ होगा उनका अपना निजी, बाकी का नाथ जी ने जो कहा उससे कांग्रेस कायम है, कांग्रेस का स्टैंड कायम है, हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। बाकी रही बात मन में कपट रखकर अगर आप जनता को गुमराह करने के लिए सब चीजों का ढंडेरा पीटते हो तो गलत है। इस हिसाब से इन लोग करते हैं, बीजेपी वाले जी ने भटनागर जी अभी पूरा प्रवचन हमें पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म, जबकि सनातन का मीनिंग अगर इनसे पूछ लिया जाएगा तो शायद पता है कि नहीं पता नहीं, अभी सनातन यही होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं और किसका कोई अंत नहीं है। तो भाई अगर जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है और अंत नहीं है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, तो आप बार बार उसी चीज को लेके आते हो कि हमारी संस्कृति जा रही है, संस्कृति आज भी बची हुई है, आपकी संस्कृति कहाँ नष्ट हो रही है, आज भी बची हुई है। अगर आप अगर अपने संस्कृति पे फिर से आना चाहते हैं तो कहिए ना, खुले खुले मन से कहिए कि भाई पूजा विधि बदल दो। कल ही इनके मोहन भागवत जी का बयान था कि ये जितने भी मुसलमान हैं हमारे भाई हैं और ये सब सिर्फ इनके डीएनए में भी हमारे भारतीय का डीएनए मैच होता है, सिर्फ इनकी पूजा विधि बदल गई है। तो कहिए आपकी सरकार है, आपके पास सब चीज है, कहिए ना कि पूजा विधि भाई बदल दो, हमको पूजा से तकलीफ है, बाकी सब आपका सब चीज हमें कबूल है, हम सब चीज मानेंगे। इनके ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर वही उनके इफ्तार पार्टी में जाकर उनके टोपी पहनकर उनके साथ इफ्तार पार्टी मनाते हैं, तब कहाँ जाते हैं कहने के लिए भाई, और दूसरे दिन सदरे निकल कर लाउड स्पीकर का विरोध कर लेते हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर मुजफ्फर हुसैन जो कार्यकारी अध्यक्ष पहले रहे थे, आज उन्होंने काफी अच्छा काम कर लिया और वहां के आदेश का पालन किया और अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी लाउड स्पीकर थे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डेसिबल पे कंट्रोल करके वो चालू किया। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम मान ही रहे हैं ना, ये इनकी दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं इसे सिर्फ गुमराह करो और लोगों के दिलों में एक चीज सिखाओ, लोगों के माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल ये सब चीजें सेट करो, क्योंकि इसके पहले तो कोई हिंदू था नहीं, इनके आने के बाद ही सब हिंदू बन गए हैं, शायद इन लोग भी थे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इनके इनके खून के अंदर और इनके दिमाग के अंदर और इनके जहन के अंदर सिर्फ यही चीज भरी हुई है कट्टरतावादी, जो पहले कर रहे थे कि हमारा विरोध कट्टरतावादी से है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप भी तो कट्टरता ही फैला रहे हो ना। कल आपके मोहन भागवत जी का ही बयान था कि हम लाठी लेके ही चलेंगे, क्योंकि लाठी लेना आज के जग में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग इससे बिना लाठी के मानते नहीं है। तो आप सोचिए ना इस चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं देखिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ताजा मुद्दे जो सरकार होती है वो जनता के निजी हितों के लिए होती है, प्राइमरी प्राथमिकताओं के लिए होती है, जिस चीजों के लिए आज की सरकार जो है वो नाकाम है। काफी करोड़ों बच्चे हमारे रोजगार बैठे हैं, काफी महिलाएं बेरोजगार हो गई है, काफी शिक्षण संस्थाएं बर्बाद हो गए हैं, काफी डॉक्टर हमारे घर पे बैठ गए हैं, काफी हमारे कर्मचारी घर पर बैठने के कगार पर आ गए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो लोग सब त्रस्त है। इनको ये सब मुद्दे खुलाकर उसकी यही चीजों को लेके जाना है कि हम हिंदू हैं, बाकी वो मुस्लिम है, तो जो मुस्लिम है उसी को टारगेट करो और इनके दिमाग में इसी चीज बिठाओ। तो बस हमारे देश में अगर कोई हमारा दिल्ली के दंगे से अगर इनको पूछ लिया जाएगा तो ये बात नहीं करेंगे, उसकी जांच के बारे में भी नहीं बताएंगे। जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं, वहाँ रह के दिखाएं, आपको पता लगे कि आपके भाई हैं। हाँ जी हाँ जी, दोबारा रिपीट कर दीजिए आदि उपाध्याय जी अपना सवाल। मैं प्रजापति जी से कह रहा था, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, प्रजापति जी भी भाई हैं, तो प्रजापति जी जम्मू कश्मीर जाएं, रह के दिखाएं वहाँ भाइयों के बीच में, अगर जिंदा बच जाए तो बताना फिर आप। बहुत अच्छा लगा। देखिए पल्लवी जी, इनकी दिक्कत यही है कि ये वही चीज कहना चाहते हैं। आज भी काफी हमने देखा कोरोना काल में, कैराना से हिंदू पलायन क्यों कर गए सर, कैराना क्यों खाली हो गया है सर, हम तो सब भाई भाई थे ना, कैराना तो अभी ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले भी अभी खाली हुआ हो बाद में,
वो तो कब से खाली होता जा रहा है, वहां से हिंदू क्यों पलायन कर गए सर? हर घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है का बोर्ड क्यों लगा रहा वहां पर? नहीं नहीं, तो मैं यही पूछता हूँ कि इसके पहले क्यों नहीं पलायन करते थे? अब ये 2014 के बाद इसकी शुरुआत कब से? अच्छा चलिए आप ये बताइए कि कैराना से पलायन हो कब से रहा है? प्रजापति सुन ले, नहीं नहीं भाई भाई 2014 के बाद ही हो रहा है। सर आप ही एक समाज को टारगेट करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अभी आप बोल रहे थे कि अभी हम लोग सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा है। कैराना का पलायन का मसला कितना बड़ा था ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और अभी आपको ये मसला इतना छोटा लग रहा है कि आपने कह दिया ऐसे तो हर राज्य में होता रहता है। कितना इजी आपने कह दिया कि ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है सर? क्या ये बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है जैसे रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी चलती है? नहीं नहीं, रामनवमी पे ही पत्थरबाजी क्यों हो गई भाई? यही तो भटनागर जी से पूछता हूँ, छह से सात राज्यों में ऐसा क्यों हो गया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे। आप इनका जवाब देंगे ना? आपके पास ही ये सब चीजें थी। अगर आप खाली एक ही राज्य को टारगेट करके चलेंगे, राजस्थान को, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हम राजस्थान के मसले पर चर्चा कर भी नहीं रहे हैं, हम खरगोन के मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने एक बार भी करौली हिंसा का मसला नहीं उठाया, मैं बार बार खरगोन के मसले पर ही लेकर आ रही हूँ आपको, आरबी उपाध्याय जी। मैंने तो खरगोन के मसले पे मेरा एक ही स्टैंड है कि हम राजनीति करते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। देश सर्वोपरि है, व्यक्तियों को पकड़ कर देश है तो अगर कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं तो वो चीज पे हम आपका समर्थन थोड़ी करेंगे। प्रजापति का कोई वजूद नहीं होगा, सही दोषी है उनको पकड़िए, कोई नहीं पूछेगा है ना, जो उसके सही दोषी है उसको पकड़िए। आप कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस इस हालत में है उसको सजा दीजिए। विचारों की वजह से आप बताना, भाईचारे की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। घर तोड़ने की बात बता रहे थे, वास्तविकता और यथार्थ के साथ अंतर को सारी चीजें बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए घर बनाने की परमिशन दे दी थी क्या? ये आपको जो बार बार प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, एक बात बताइए भरत प्रजापति जी, किसी को वो मकान मिल जाता है, उस मकान में वो शख्स रहने लगता है, तब तक वो सही था, लेकिन उसके बाद वो किसी अपराध में शामिल हो जाता है तो इसमें प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी सर? आप तो बड़ी ऐसी कोई कुछ भी बोल रहे हैं लॉजिकल बात कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल गया। अरे उस टाइम वो सही था, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। उसके बाद अगर वो किसी दंगे में शामिल होता है तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना क्या करेगी? नहीं पल्लवी जी, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र इसलिए हो रहा है कि आपने इसका डिंडोरा पीटा था ना, तो आपने ऐसे लोगों को बात दिया है इसके। नहीं नहीं सुनिए सर, एक बात बताइए, जब मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आवास मिलने से पहले कोई आपराधिक प्रवृत्ति में वो शख्स शामिल ही नहीं था, किसी तरह का कोई आरोप उस पर था ही नहीं, अब अगर वो किसी दंगे में शामिल हो गया है तो आप क्या चाहते हैं उस आवास योजना का क्या करें? आप कुछ भी बोलेंगे क्या सर? आप क्या चाहते हैं कि किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो इन दंगाइयों पर? घर में रख लीजिए उन्हें, अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए उन्हें। बेवकूफी वाली बातें करते हैं बिल्कुल आप लोग। नहीं 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 नहीं, हम कहा, हम दंगाइयों के साथ में खड़े ही नहीं है, हम वही कह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? तब से आपको पीएम आवास योजना एक ही चीज के रट लगाकर रह गए हैं सर। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक दंगाई जिसे पीएम आवास योजना के तहत घर मिला है, उस घर को भी नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन आपको इसमें भी दिक्कत है, आपको हर चीज में दिक्कत है प्रजापति जी। अच्छा बताइए, किसी का डैडी अगर आतंकवादी है तो उसके बच्चे का घर तोड़ना कहाँ तक संभव है? आप बताइए ना, आप रख लीजिए ना, आपको मैं दे तो रही हूँ, आपको आपके पास विकल्प है। आप कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, आप इन लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए, इन्हें अपने घर में रख लीजिए। सोनिया गांधी का आवाज बहुत बड़ा है, उन्हें कहिएगा एक कमरा ऐसे लोगों के लिए बनवा ले, बहुत जरूरत है आप लोगों को। ऐसा ही है, आप बार बार एक ही समुदाय को जो टारगेट कर रहे हैं ना सर, ये ठीक नहीं है, और यही कारण है कि आपकी पार्टी की दुर्गति हो रही है। संभल जाइए वक्त रहते, हम नहीं कर रहे हैं एक ही पार्टी। धन्यवाद, मुझे आपकी सोच और नहीं जाननी सर, धन्यवाद।
आप हमारे साथ जुड़े। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। तो खरगोन हिंसा के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके ही पीड़ितों को राहत दी जाएगी। हालांकि उनके इस ऐलान से विपक्ष को काफी तकलीफ हो रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मसले के, इस मामले के, इस दंगे के जो मुख्य आरोपी हैं वो कब तक सरकार और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर पाता है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।